वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफी टाइम के बाद एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड दैट टू दिवाली ब्लॉग। वैसे ये हमारी पहली दिवाली तो नहीं है यूएस में, लेकिन फिर भी ये दिवाली बहुत स्पेशल है क्योंकि डेलस टेक्सस में ये हमारी पहली दिवाली है और साथ ही साथ कायांश की भी ये पहली दिवाली है। तो मैं ट्राई करूंगी कि बहुत सारी मेमोरीज रिकॉर्ड करूं, पूरा व्लॉग बनाऊं इसका और आपको साथ ही साथ दिखाऊं कि हमने कैसे यहाँ पे अपने इरविंग वाले घर की जो टेक्सस में है डेलस में उसकी डेकोरेशन की, क्या क्या हमने किया इस दिवाली पे। और आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। अभी थोड़ी सी लाइट्स लगा दी हैं, ये हमने एक्चुअली एक दो दिन पहले से ही लगाई हुई हैं। मैंने व्लॉग बाद में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। ये लाइट्स हमने लगा दी हैं, ये लगा दी है और गेट पे हमने तोरण लगा दी है, पूरा जो फ्लावर्स वगैरह हैं और गणपति जी की मूर्ति वगैरह। तो ये अभी डेकोरेशन है, बाकी अभी हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेकोरेट करना है जो अभी हम कर रहे हैं। पिछले व्लॉग की पूरी कॉपी बना रही हूँ जो उस व्लॉग में किया था वो सब रिपीट करा के सेम व्लॉग का कंटेंट बना दूंगी मैं। अच्छे जाके दिखाती हूँ कि बाहर से कैसा दिख रहा है। This is how it looks from the outside. अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। हालांकि जो बैल्कनी है वो काफी छोटी है, सिएटल वाले घर जितनी नहीं है, बट स्टिल इट इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम सो हैप्पी विद माई वर्क। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं पटेल ब्रदर्स। अगर आप वेस्ट कोस्ट पे हो तो वहाँ पे आपको मोस्टली पटेल ब्रदर्स नहीं मिलेगा, लेकिन सेंट्रल अमेरिका में और ईस्ट कोस्ट पे आपको हर जगह पे ये इंडियन सुपरमार्केट मिल जाएगा। जिसे इंडियन ग्रॉसरी चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको ना पटेल ब्रदर्स में मिल जाती हैं। तो अभी हम लोग ना दिवाली का कुछ सामान लेने आए हैं। नहीं, क्योंकि लड्डू वगैरह बनाने के लिए घी चाहिएगा ना, तो एक लूँ या दो लूँ? ठीक है, एक और ले लेती हूँ मैं ये फायर क्रैकर्स है ना, कितने का ये? 2.49 का ये वाला शायद। अभी फिलहाल के लिए ये वाले रख लेते हैं। ये एक सेट कितने का है? आई गेस 3.99 का है ना। अच्छा, तो इसी के अंदर ही ना दोनों चीज़ें हैं, खील भी हैं और बताशे भी हैं। तो जो शगुन होता है लक्ष्मी पूजन का, उसमें हम ये यूज़ करने के लिए ले रहे हैं। मुझे ना ये भी चाहिए थिन पोहा। मैं ना इस बार महाराष्ट्रन स्टाइल का जो चिवड़ा बनता है ना वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मिठाइयाँ वगैरह भी मिलती हैं, जैसे कि सोन पापड़ी है या फिर हलवा है या गुलाब जामुन है, बट मेरा प्लान है कि मैं घर पर स्वीट्स बनाऊँ। तो ये है चिवड़ा बनाने की तैयारी, जिसमें मैं कड़ी पत्ता डालने वाली हूँ, ग्रीन चिली डालने वाली हूँ, मूंगफली डालने वाली हूँ, राई दाना डालने वाली हूँ, हल्दी, थिन पोहा जो मैं लेके आई थी, बाकी लहसुन ये मैं लास्ट में डालूंगी ताकि जो नहीं खाता है उसके लिए सेपरेटली निकाल सकूँ। और ये पूरा का पूरा जो बनेगा वो बनेगा मस्टर्ड ऑयल में, तभी आपको वो टेस्ट आएगा, जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन टेस्ट होता है वो आ पाएगा। और ये मेरे सारे बर्तन वगैरह सब रेडी हैं। क्या हुआ? आप बताओ तो सही, क्या हुआ? चिवड़ा चाहिए आपको? रेडी हो जाओ छोटी दिवाली के लिए, समझे? कायू
देखो जो वो साफ पराठा वहाँ रखा हुआ है वो नहीं खाना है, यहाँ से खाना है उठा के, कारपेट से खाना है उठा के। नोटी नोटी बच्चा है मेरा, नोटी नोटी बेबी, बहुत नोटी बेबी, बहुत नोटी बेबी। नमकीन चुन चुन के खा लेता है, चब कुछ चुन चुन के ढूंढ के लाता है। लड्डू मैंने इसकी जो रेसिपी है बेसन वाले लड्डू की वो ऑलरेडी शेयर की हुई है। हैप्पी दिवाली तो बोल दे बहन, इधर आई इधर आई। अरे वाह, अदर साथ में बोला हैप्पी दिवाली, आपका बेस्ट फ्रेंड है, पहले उसी के घर आए आप। मेरे घर नहीं आए, पहले मेरे घर नहीं आए आप। वन टू, वन टू